अगला सवाल है जी, आलिया शाह हैं सियालकोट से, वो कह रही हैं जी कि लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मंजूर पश्तीन ने फौज के खिलाफ बातें की और शुरका ने फौज मुखालिफ नारे लगाए, दूसरी जानब अरशद शरीफ के साथ होने वाले अफसोसनाक वाक्या के बाद सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से जुमलेबाजी हो रही है, क्या ये सब दुश्मन की चालें हो सकती हैं? आलिया शाह साहिबा, मैं इस तरह के लोगों को दुश्मन तो नहीं कहूंगा, ये ना समझ लोग हैं, ये अक्लो दानिश से आरी, जो नाम आपने लिए कुछ तो पेशेवर हैं, उनका एजेंडा है, वो वारदाती हैं, उनकी बात ना करें, वो दुश्मन है। हमारे यहाँ एक एलिमेंट है अवाम में, देखें, जो अजीबो गरीब तरह की बातों पे रीच जाता है, कन्विंस हो जाता है, तो उनको मैं दुश्मन नहीं कहता। मसलन देखें, जब भुट्टो के खिलाफ पीएनए की मूवमेंट शुरू हुई, मैं एक मिसाल मुझे याद आ गई, तो वो क्या था, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, कहाँ गई वो तहरीक, कहाँ है निज़ाम मुस्तफ़ा? कुछ जाहिलों ने, कमज़रफ़ों ने, बेवकूफ़ों ने, इनमें से कोई एक लफ्ज़ किसी न किसी पे फिट बैठता हो, वो हरकत की और निज़ाम मुस्तफ़ा ख़्वाब है हर मुसलमान का, लोग रीझ गए, अट्रैक्ट हो गए, नतीजा ज़ियाउल्लाह जैसा मुनाफिक इस मुल्क ने भुगता और आज तक भुगत रहा है। और कितनी अजीब बात है, उसके जराइम बंदा गिनवाने बैठे एक उम्र लगेगी और उस पर भी लोग उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे, वो उसने अपनी किस्म का जो उसको सूट करता था। अदरवाइज एक बंदा टीवी पे बैठ के एक हुक्मरान ये कहे 90 दिनों में इलेक्शंस, और पहले वो आयात पढ़े नहमद करीम, उसके बाद वो बेशर्मों और ढीठों की तरह बरसा बरस इस मुल्क पे काबिज रहे, इस मुल्क को हाई पोलराइज कर दे, मुनाफकत घुसा दे, जबरदस्ती अपनी टाइप का, ऐसे नहीं, इस्लाम दिल से अंदर से आने वाली आवाज का नाम है, जबर नहीं। जो हमारे यहां कहते हैं कि दीन में जबर नहीं, उसका क्या मतलब है? किधर गए वो लोग, वो सारे ब्यूरोक्रेट, आज ब्यूरोक्रेसी वो करती है बगैर किसी वजू के, फलाना इधर रिश्वत ली है, उधर जाके नमाजें पढ़ रहे थे, उसने इस मुल्क में मुनाफकत को राइज किया। सो मैं इस हद तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बात आपकी बाय एंड लार्ज आलिया दुरुस्त है बेटा।